नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में और आपके साथ मैं हूं डॉली भाटिया। दर्शकों, हमारे खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जागरूक करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप बढ़ती हुई तमाम परेशानियों से, तमाम बीमारियों से बच सकते हैं। उस बचाव के लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ कॉन्शियस होना है। आज के डेट में जो लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, सैलेड ज़्यादा खाते हैं, उनको हम हेल्थ कॉन्शियस बोलते हैं। लेकिन असली मायने क्या है हेल्थ कॉन्शियस होने के, क्या आपको भी होना चाहिए, क्योंकि आपकी सेहत आपके अपने हाथ में है और इसी सेहत के प्रति आपको जागरूक करने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स। तो दर्शकों, आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अग्रवाल। डॉक्टर साहब, स्वागत करना चाहेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। दर्शकों, डॉक्टर अग्रवाल जो कि वरिष्ठ फिजिशियन हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, जिनके साथ आज हम बात करेंगे आपकी हेल्थ से जुड़े हुए कितने बड़े पॉइंट के बारे में, जिसको हम हमेशा नेगलेक्ट करते हैं, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते और जिसका सबक होता है कि ये एक बड़ी बीमारी के रूप में सामने आता है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा शब्द जो हमें बहुत सुनने को मिल रहा है, आप हर घर में देख लीजिए, कोई ना कोई एक ऐसा शब्द आपको मिलेगा कोलेस्ट्रॉल, कि किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, चिकनाई कम खाओ। ये चिकनाई का जो शब्द है, ये कहाँ से आया डिक्शनरी में, ये क्यों हम लोग इस टॉपिक पर आज बात कर रहे हैं, इसके बारे में आज डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे और किस तरीके की परेशानी आपको आगे चल के हो सकती है इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल डॉक्टर साहब, शुरुआत आपके साथ आज करना चाहेंगे इस शो की, कि एक टेस्ट, चिकनाई के टेस्ट की एक बहुत बड़ी ब्रांडिंग हो रही है, या ये कहें कि लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो हर फाइल में लिख दिया जाता है कि आपको अगर चिकनाई की प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल की, तो एक टेस्ट जो आजकल चल रहा है उससे आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारे कंट्री इंडिया में जी, और बाहर के देशों में, हमारे यहाँ पे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जल्दी होती है, यंग होती है, यंग जनरेशन में होती है, यानी कि 40 साल से नीचे के भी लोग, हमारे यहाँ हार्ट अटैक की संख्या काफ़ी है, ऐसा फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं है। दूसरा, अगर हार्ट अटैक होता है तो हमारे यहाँ सीवियर होता है, ज़्यादा भयानक होता है जी, जिसमें ज़्यादातर जान जाने का खतरा रहता है। तो इन सब बातों में पिछले कई करीब 25-30 सालों के अंदर ऐसा देखने को मिला है कि बाहर के कुछ कंट्री जिनमें हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी नीचे चला गया, आधा चला गया, हमारे यहाँ पे हार्ट अटैक के खतरे की संख्या 4 गुना बढ़ गई। यानी कि हम पिछले 20 साल के अंदर और हमारे यहाँ हृदय रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा देखा गया कि जो इंडियन हम पॉपुलेशन है, जो हम हिंदुस्तानी हैं, वो अगर बाहर रहते हैं विदेशों में, उनमें 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन वो उनमें हार्ट अटैक की होने की संभावना उन विदेशियों से ज़्यादा है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इंडियन हृदय रोगों के लिए होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है। एक तो हमारे ये बात समझ में आनी चाहिए, जैसे मैंने कई अपने प्रोग्रामों में पिछले बताया कि डायबिटीज़ के लिए, कि बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ से होने के लिए हम प्रोन हैं, ऐसे ही हार्ट की प्रॉब्लम। अब पिछले कई सालों में डायबिटीज़ के रोगियों की संख्या बढ़ी, तो उससे क्या हुआ, उससे हार्ट अटैक के रोगियों की संख्या भी बढ़ी, उससे ब्लड प्रेशर के रोगियों की संख्या बढ़ी। अल्टीमेटली ये देखा गया कि जो अपना एक आम पॉपुलेशन है, अगर हम परसेंटेज वाइज माने, तो हमारे यहाँ पे जो एक कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल होता है, जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल होता है, LDL होता है, एक VLDL होता है और HDL, ऐसे ये 5 चीज़ें होती हैं। हम ये लिपिड प्रोफाइल खाली पेट कराते हैं। ये जो टेस्ट है, अगर इसमें देखा जाए तो हमारी पॉपुलेशन में ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड जो ख़राब है, ज़्यादा खराब वाला जो कोलेस्ट्रॉल है LDL, वो भी कुछ परसेंटेज में ज़्यादा, और जो सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल HDL, वो HDL की मात्रा बहुत कम, लगभग परसेंटेज मान के चलिए
कि जो एडल्ट पॉपुलेशन है 50% पॉपुलेशन में, आप सुन के एकदम दंग रह जाएंगे, 50% पॉपुलेशन में एचडीएल की संख्या, एचडीएल की मात्रा लो होती है। यानी कि हम लोग आम आदमी, हम हार्ट के लिए जो फायदेमंद कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे अंदर पहले से ही कम है जेनेटिकली जी, हम इंडियन पॉपुलेशन में। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है, यानी कि वो पहले से ही ज़्यादा है, उसकी परसेंटेज करीब करीब 1/3 लोगों में ट्राइग्लिसराइड 150 और 200 से ऊपर मिलता है। हम अक्सर ये डेली रिपोर्ट देखते हैं कि उसमें ट्राइग्लिसराइड का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है जो सबसे ख़राब होता है, वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी ऐसे देखने को मिल रहा है। एक तकलीफ होती है फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ये क्या होता है कि पैदाइशी जेनेटिकली हमारे अंदर एक ऐसा एलडीएल रिसेप्टर डिफेक्ट होता है, उसकी वजह से एलडीएल का लेवल, जो कोलेस्ट्रॉल ख़राब है उसका लेवल ब्लड में ज़्यादा है। अब अगर उसका लेवल ब्लड में ज़्यादा है तो हमें आगे चल के हार्ट अटैक की भी संभावना ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर की संभावना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये जो हमारी आर्टरियां हैं, हमारी धमनियां हैं जो रक्त को ले जाती हैं, उनके अंदर एथेरोजेनेसिस हो जाती है, मतलब उनके अंदर ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि वो प्लैक बन जाता है, वो उसमें रुकावट आने लगती है, तो उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, उससे हार्ट अटैक की भी संभावना होती है। तो एक बेसिक, अगर हम इस चीज को एडल्ट पॉपुलेशन में इस चीज को अगर हम कम कर लें तो आगे चल के हार्ट अटैक की संभावना भी कम रहेगी। ऐसा बहुत सारी रिसर्च में देखा गया है कि हार्ट अटैक की संभावना, अगर हम कोलेस्ट्रॉल के लेवल को जितना जल्दी पता कर लें, जितना जल्दी हम उसको कंट्रोल कर लें, तो हार्ट अटैक की संभावना लगभग 1/3 रह जाती है। अगर हमने 30-40% कोलेस्ट्रॉल का लेवल, जो एलडीएल है जो ख़राब है, उसका कम कर लिया, तो हार्ट अटैक की संभावना इतने ही लगभग 30% कम हो जाती है आगे आने वाले सालों में। तो एक तो हमारे यहाँ हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है जी, तो हमें कहीं ना कहीं अब तक जो कुछ रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई किए, स्मोकिंग, शराब का पीना, स्ट्रेस, सेडेंट्री, घूम नहीं रहे, चल नहीं रहे, फास्ट फूड, डाइट ज़्यादा उल्टा सीधा ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों में प्लस उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एलडीएल वाला ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों में हार्ट अटैक का खतरा रहता है। और ऐसे लोगों को अपना स्वतः ही एक लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। जो लोग स्मोकर हैं, जो क्या कहते हैं, चिकनाई युक्त खाना खाते हैं, जो सेडेंट्री हैं, जो नहीं भाग रहे हैं, या जिनकी फैमिली में फादर मदर किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम हो चुका है, उनको पहले से कोई लिपिड प्रोफाइल की प्रॉब्लम है, या कभी सडनली आपने देखा कि आपका वजन बढ़ रहा है तो आप कम से कम कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट आपने कराया तो बढ़ा हुआ मिल रहा है, तुरंत डॉक्टर पर जाइए, तुरंत उसको कंट्रोल करिए। अगर आप कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर लेते हैं तो आप काफ़ी कुछ मात्रा में हार्ट अटैक को हरा देते हैं। तो ये एक जैसा कि आपने देखा कि हाँ बिल्कुल सही है, ज़्यादातर डॉक्टर्स की फाइल जो होती है उसमें लिखा होता है कि आप लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए। अब लिपिड प्रोफाइल करा तो लिया, लेकिन ये नहीं पता है कि कब तक दवाइयाँ खानी है, बिल्कुल, तो कब तक आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है, उसके ट्रीटमेंट के कुछ फ़ायदे नुकसान भी हैं। बट परसेंटेज आज के टाइम पे एलडीएल की, उसकी आम पब्लिक में करीब करीब 1/4 मानिए, 25% लोगों में ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम बहुत भयानक है, ये डायबिटीज़ से भी ऊपर है। डायबिटीज़ तो मान के चलिए कि 8 से लेके 12% है, गाँव में इसकी परसेंटेज थोड़ी कम है। ऐसे ही है कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है, अगर शहर में करीब 20% लोगों में पाया जा रहा है चिकनाई, तो गांव में भी 12-13% है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। तो ये एक इस तरीके से लिपिड प्रोफाइल का हमारे लिए बहुत ज़रूरी है करना जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने ये जो आप बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे, इसके बीच में अभी आपने कहा गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, ये गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए कैसे हो सकता है? क्योंकि जब चिकनाई के हम ऊपर बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है? देखिए, ये कोलेस्ट्रॉल के जो छोटा बड़ा और हार्ड, ये पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जी, जिसका डेंसिटी ज़्यादा है। एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। वीएलडीएल का मतलब होता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एक ट्राइग्लिसराइड होता है। तो आजकल ये अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो सिर्फ अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करा के डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं जी। जबकि कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट से अकेले से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो एक तो ये कि टेस्ट में खाली पेट पूरा लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए। दूसरा, अगर हम खाली पेट टेस्ट भी नहीं कराना चाहते
तो एक आज आजकल का नया लेटेस्ट जो गाइडलाइन आया है उसमें यह है कि हम नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल देख लेते हैं। नॉन एचडीएल का मतलब टोटल कोलेस्ट्रॉल माइनस अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल, तो वो हमारा एक नॉन एचडीएल लेवल निकल आता है। उस नॉन एचडीएल से भी हम ये पता लगा लेते हैं कि इनके अंदर कितना खराबी है और कितना इनके लेवल को हमें कम रखना है। तो एचडीएल वाला जो पार्टिकल है वो कोलेस्ट्रॉल वाला पार्टिकल वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर बैड जो कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल, एलडीएल क्या है, उस पार्टिकल का जो साइज़ है वो अपनी धमनियों पे चिपकने के लिए मजबूर है, उसकी वजह से जो एचडीएल वाला पार्ट है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। वो गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए है क्योंकि वो चिपकता नहीं है, वो एथेरोजेनिसिटी नहीं करता, तो इसलिए वो दैट इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल। अब बात आती है कि जो आपने पूछा गुड कोलेस्ट्रॉल तो है बट इसको बढ़ाने का भी कोई तरीका है जी। अगर हम गुड कोलेस्ट्रॉल, हमारे यहाँ जैसे मैंने अभी कहा कि आम पॉपुलेशन में लगभग 30-40-50% लोगों में ऐसा देखा गया है कि इंडियन पॉपुलेशन में ये गुड कोलेस्ट्रॉल गुड नहीं है, नीचे है। तो जब भी एक आम पब्लिक में सिर्फ यही है कि इसको बढ़ाने के पिछले कई दवाइयों में ट्रायल हुए कि क्या हम ये गुड कोलेस्ट्रॉल दवाई से बढ़ा सकते हैं, तो ये पाया गया कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल दवाई से थोड़ा बहुत बढ़ा तो सकते थे, उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी थे, लेकिन वो हार्ट अटैक के खतरे को कम नहीं कर पाए जी। वो दवाइयाँ, गुड कोलेस्ट्रॉल तो हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया लेकिन हार्ट अटैक के खतरे को कम नहीं कर पाए। तो अब ये रिकमेंडेशन आ गया कि भाई हमें गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए दवाई नहीं, फिर क्या करना है, फिर सिर्फ अपने पास एक ही रास्ता बचा कि दौड़ो और भागो। जितना अच्छा आप एक्टिविटी और जिम और एक्सरसाइज करोगे, जितना अच्छा ब्रिस्क वॉक करोगे, और उतना ही फ़ायदा आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मिलेगा। अक्सर ये स्टडी देखी गई है लगभग 5-10% में, जैसे उसकी नॉर्मल वैल्यू लगभग 50 से ऊपर होना चाहिए। अगर देखा जाए कि 10% भी हमने बढ़ा लिया तो हमारा 60 हो गया, या 40 था तो 50 हो गया जी। तो इतना फ़ायदा उस एक्सरसाइज का होता है, प्लस साथ में अगर हम डाइट कंट्रोल करते हैं तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, आगे चल के हार्ट अटैक के खतरे को भी कम हम कर सकते हैं जी। तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शहर के वरिष्ठ फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर बीके अग्रवाल, जो कि आपको देने हैं तमाम जानकारियां। डॉक्टर साहब के साथ हम पहले भी कई शो कर चुके हैं लाइफस्टाइल को लेकर के, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को लेकर के, किस तरीके से आपको अपना जीवन शैली में परिवर्तन करना है, और आज हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, यानी चिकनाई के बारे में। ये जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जिसकी वजह से आगे चल के आपको हार्ट अटैक तक की दिक्कत आ सकती है, इसके बारे में डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इस खतरे से बच सकते हैं, कैसे आप अपनी प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करा करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके अंदर किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल है, क्या लेवल है कोलेस्ट्रॉल का, और आपको क्या हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। क्योंकि अगर आप बीमारी का समय रहते पता लगा लेते हैं तो आप उस बीमारी से बच सकते हैं और उस खतरे से भी बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल चिकनाई के बारे में, जो हम पहले की बात करें, लोग पहले बहुत ज़्यादा चिकनाई खाते थे, अब तो फिर भी अपनी सेहत के प्रति जागरूक हो रहे हैं, यंगस्टर्स डाइट को लेकर के, अपने फिगर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, तो क्या पहले इस तरीके की दिक्कतें नहीं होती थी? नहीं, देखिए पहले क्या था, पहले और अब मैं थोड़ा सा, मैं 3-4 सेंटेंस में इसको पूरा करूँगा, बाकी अपन फिर सब्जेक्ट पर बात कर लेंगे। पहले और अब में क्या था कि पहले 20 कोस चल के आदमी एक अनाज से दूसरी सब्जी खरीदने जाता था, बिल्कुल एक सब्जी से अनाज खरीदने जाता था, 20 कोस चलने के बाद, 30 कोस चलने के बाद, गांवों से शहर में आने के लिए। पहले इतने प्रोसेस्ड फूड नहीं थे मार्केट में, प्रोसेस्ड फूड अब गांवों में भी मिल रहे हैं, शहर में भी मिल रहे हैं जी। यानी विलेज हमारे अब विलेज नहीं हुए, हम डेवलप्ड, पहले क्या था हम ऑलमोस्ट अनडेवलप्ड कंट्री में थे, अब हम डेवलपिंग कंट्री में हैं, शायद कुछ सालों में हमारा इंडिया जो है डेवलप्ड कंट्री में आ जाए। तो हम यहाँ से जो यहाँ हमने सफ़र तय किया बट उसमें हम सेडेंटरी होते चले गए, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गई, हमारे खाने पीने का तरीका है वो चेंज हो गया, हमने पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स और इन सब के मिले हुए खाने पीने की चीज़ें अपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शुरू कर दी जी। हमने अपने रिफाइंड ग्रेन्स की मात्रा बढ़ा ली अपने खाने में, हम हर आइटम अब मैदा का खाते हैं, हमने
अपने जो नॉर्मल जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स थे उनको हमने ख़त्म कर दिया। आज का जो पास्ता है, आज का जो पिज़्ज़ा है, आप उसमें देख लीजिए उसमें कितनी फ्रूट्स हैं और कितनी वेजिटेबल्स हैं। सिर्फ और सिर्फ उसमें रिफाइंड ग्रेन्स हैं। रिफाइंड ग्रेन्स का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च है उसमें। जितना ज़्यादा खराब कार्बोहाइड्रेट है वो, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको हम ज़्यादा लेना चाहिए। जो हमारा खराब कार्बोहाइड्रेट है प्लस उसमें हमने हाई फैट कंटेंट चीज़ और मिला दिया ऊपर से, उसमें हमने सारी चीज़ें मिला के और हम जो है बिना एक्टिविटी किए हुए बैठे हैं। दिन भर हम कुर्सी पे बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। हमने अपने पोर्च में से गाड़ी निकाली और पोर्च में गाड़ी ला के खड़ी कर दी। सी द लाइफ स्टाइल। मेन जो चीज़ निकला कि हम जो आज से 30 साल पहले जो हम 20 किलोमीटर 20 कोस दूर चल के जाते थे वो हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो तब हम घी भी पी लेते थे तो हम बचा लेते थे उसको बर्न कर लेते थे जी। हमारी बॉडी एक्टिविटी बीएमआर बढ़ता था उससे हमारा ब्लड का सर। आज हम कहते हैं कि आपने जैसे भी पूछा कि एक्सरसाइज करिए, हम एक्सरसाइज कितना कर सकते हैं? 30 मिनट। वो 20 कोस चल रहे हैं 5 घंटे। तो ये उसका वो है। हम काफ़ी कुछ आज के ज़माने में और पिछले ज़माने में चेंज हो गया जी। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं बात निकल कर आती है हमारी एक्सरसाइज पर, हमारी लाइफस्टाइल पर, कि हमारी जो बदलती हुई लाइफस्टाइल है उसी का नतीजा है कि आज हम तमाम बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। लेकिन आप अभी भी वक्त है, आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको जागरूक होने की और फॉलो करने की, क्योंकि हम सुनते तो बहुत कुछ हैं, हम जानते बहुत कुछ हैं, हम गूगल बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम कायदे से उन चीज़ों को नहीं मानते जो हमें माननी चाहिए। इसी वजह से बीमारियाँ बढ़ती हैं। तो दर्शकों, आपके साथ अपनी चर्चा यूँ ही रखेंगे हम जारी, लेकिन यहां रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे कि क्या डाइट होनी चाहिए। आप देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए सी न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में, और आपके साथ मैं हूं डॉली भाटिया। दर्शकों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर बीके अग्रवाल, जिनके साथ आज हम बात कर रहे हैं आपकी सेहत से जुड़े उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है और जिन्हें हम शायद सुनते भी हैं और शायद देखते भी हैं लेकिन हम मानते नहीं हैं उन बातों को। वही बातें आज आपको डॉक्टर साहब बताने आए हैं, छोटी छोटी बातें जो आपके लिए एक बड़े खतरे को दूर कर सकती है, उन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहेंगे ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि कोलेस्ट्रॉल से किस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। तो क्या ये कोलेस्ट्रॉल जैसे टेस्ट हो गया तो क्या ये दवाइयों से कंट्रोल हो सकता है? तो कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं? जी, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, जब भी इस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को पता लग जाता है कि बढ़ा हुआ है जी, तो उसमें स्टैटिन ग्रुप की दवाइयाँ होती हैं। ये HMG को एंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर बोलते हैं इसको, एक ग्रुप है, एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो, मैं उसमें डिटेल नहीं जा रहा हूँ। बट स्टैटिन ग्रुप की दवाइयाँ होती हैं, इसमें रोजोबास्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, इस टाइप की दवाइयाँ। रोजोबास्टैटिन अभी लेटेस्ट दवाई आई है जी, और काफ़ी कुछ मात्रा में ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर देती हैं। बट इसका गाइडलाइन ये कहता है कि हमें इसमें कितनी डोज देनी है, वो डॉक्टर मरीज के रिस्क के हिसाब से दवाइयों की डोज को तय करते हैं जी। और जैसे डायबिटीज़ है, साथ में हार्ट अटैक है, साथ में ब्लड प्रेशर है, तो उसमें ऑलमोस्ट जीवन भर ये दवाई खानी होती है। और साथ में जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, लिपिड प्रोफाइल आपका ज़्यादा है, पहले से कोई छोटा मोटा आपको हार्ट अटैक हो चुका है, तो ऐसे में ये दवाई आपको ज़्यादा डोज में लेनी होती है। डायबिटीज़ है साथ में तो थोड़ा और ज़्यादा डोज में लेनी होती है, और जीवन भर खानी होती है। अब कितना कोलेस्ट्रॉल का लेवल आ जाए तो वो डॉक्टर अपनी रिपोर्ट से तय करते हैं। अगर लगभग इसको 30-40% जो बेसलाइन वैल्यू है उससे घटा के चलते हैं, और अगर हमारा लेवल अगर नीचे भी आ जाता है तो हमारा लेस देन 70 होना चाहिए जो डायबिटीज़ से पीड़ित इसके रोगी हैं, लेस देन 100 होना चाहिए जो हमारे कोई भी ब्लड प्रेशर और हार्ट के रोगी हैं। तो ये जो लेवल है ये LDL जो सबसे ख़राब है उसको हम लोग देख के चलते हैं कि LDL का लेवल ये होना चाहिए।
दूसरा एक तरीका है नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, उसके लेवल को भी हम लोग देख लेते हैं कि वो 130 से नीचे होना चाहिए या 100 से नीचे होना चाहिए। 100 से नीचे डायबिटीज़ के पेशेंट में, हार्ट पेशेंट में, और 130 से नीचे हमारे जनरल ब्लड प्रेशर के पेशेंट। तो ये डॉक्टर अपने अपने फिजिशियन तय कर लेते हैं कि भाई कितना आपको उस ड्रग का लेवल देना है। तो एक तो ये, दूसरा कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो स्टैटिन के अलावा है। स्टैटिन दवाई एक ऐसी है जो हार्ट अटैक के खतरे को भी कम करती है। इस पे काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, काफ़ी ट्रायल्स हो चुके हैं, ये हार्ट अटैक के खतरे को कम करती है। तो आपको मैंने अक्सर ये देखा है कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ, अक्सर मैंने देखा है मेरे पेशेंट बीपी की दवाई खा रहे हैं, डायबिटीज़ की दवाई खा रहे हैं। मैं एक साल से बस यही दो डॉक्टर साहब दवाई खा रहा हूँ और वो मैंने ये तीसरी चौथी दवाइयाँ बंद कर दी है। मैंने कि ये क्यों बंद कर दी, कि वो बीपी की नहीं थी, शुगर की नहीं थी, तो मेडिकल स्टोर वाले ने मना कर दिया इस दवाई को लेने के लिए कि भाई बीपी शुगर की मैंने मांगी थी तो उन्होंने ये दे दी। मेन जो मेडिसिन है जो आपको खून के फ्लो को पतला कर रही है, इको स्प्रिन टाइप की एस्प्रिन जो होती है, मेन जो मेडिसिन है जो आपके हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर रही है, स्टैटिन जो दवाई है, अक्सर पेशेंट वो बंद कर देते हैं। तो एक बस यही मैसेज है कि अपने डॉक्टर के हिसाब से आप लिपिड प्रोफाइल कम से कम 6 महीने में एक बार करा लो, और करा के आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लो कि भाई मेरा लिपिड प्रोफाइल ये है, अगर उनको डोज बढ़ानी घटानी होगी तो वो कर देंगे, या फिर आपको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करनी है। तो एक तो ये, दूसरा कई लोगों के मन में ये फीलिंग आती है कि इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, हर फार्माकोलॉजिकल एजेंट का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है जी। ऐसे ही इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, लेकिन इसका इफेक्ट हम बहुत ज़्यादा उठा लेते हैं। अगर हमने हार्ट अटैक के खतरे को कम कर लिया तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट है जी। साइड इफेक्ट इसके छोटे छोटे होते हैं, जैसे मसल थोड़ा बहुत पेन होती है कभी कभी, कई पेशेंट में जैसे 10-15% पेशेंट में ये देखा जाता है मसल पेन होते हैं। कुछ पेशेंट में ऐसा देखा जाता है कि लिवर हल्के से एंजाइम बढ़ जाते हैं, तो हम उनके टेस्ट को करा लेते हैं, बीच बीच में कराते रहते हैं, उससे हमें ये पता लग जाता है भाई इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो ऐसे ही एक टेस्ट होता है सीके क्रिएटिनिन काइनेज, एक टेस्ट होता है एसजीपीटी जो लिवर से होता है, तो वो हम बीच बीच में कराते रहते हैं हर 2-3 महीने पे। बट अगर वो लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो फिर आपके डॉक्टर उस मेडिसिन को बंद कर देते हैं या उसको रोक देते हैं, उसकी डोज कम कर देते हैं जी। वो एक डॉक्टर का नज़रिया है। बिल्कुल। अब आते हैं कि अगर इस मेडिसिन को लंबा टाइम के लिए लेते हैं या नॉन स्टैटिन ग्रुप की कुछ दवाइयाँ होती हैं उनसे भी हम कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं, जैसे कई सारी और दवाइयाँ आती हैं, बट लेकिन वो उनके हार्ट अटैक के खतरे को वो कम नहीं करती। तो इस स्टैटिन का जो दवाई है उसका एक फ़ायदा है कि अगर हमारे अंदर कोई थक्का जम भी गया है, प्लैक बोलते हैं उसको, तो वो उसको बांध लेती है, स्टेबल कर लेती है, प्लैक स्टेबलाइजर इफेक्ट होता है वो। तो उससे क्या होता है कि आगे आपको उसको फटने का खतरा नहीं रहता जिससे कि हार्ट अटैक हो जाए, तो उससे काफ़ी कुछ बचाव कर लेती है वो, और दवाइयाँ नहीं करती। एक अभी नया अभी एक इंजेक्शन आया है रिपाथा के नाम से, वो इंजेक्शन जिन लोगों को पारिवारिक अनुमानसिक जिनको फैमिलियल प्रॉब्लम है हाइपर कोलेस्ट्रॉल की, जिसमें कोलेस्ट्रॉल एलडीएल 350 से ज़्यादा है या टोटल कोलेस्ट्रॉल कराए तो 500 से ज़्यादा है, 600 से ज़्यादा, ऐसा भी होता है जी, पता ही नहीं चलता। जब हार्ट अटैक हुआ तब उन्होंने टेस्ट कराया तब पता लगा कि उनको कोलेस्ट्रॉल था, तो ऐसे कोई टेस्ट तो कराते नहीं क्योंकि ये एक हिडन प्रॉब्लम है, ये कोई लक्षण नहीं देती। बिल्कुल। तो ऐसे में वो एक इंजेक्शन भी आया है, करीब उसके कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, करीब 12-15 हज़ार रुपये के आसपास वो इंजेक्शन होती है। वो इंजेक्शन अगर एक महीने में दो बार लगाते हैं तो उससे अभी लेटेस्ट रिसर्च हुई है उस पर, तो उससे सडनली करीब 1-2 महीने के अंदर ही कोलेस्ट्रॉल का लेवल 50% भी रह जाता है। तो ऐसा एक भी इंजेक्शन है, तो ये भी एक अच्छी मेडिसिन है। बाकी एचडीएल को बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयाँ हैं जो पहले आती थी वो अपन लोग नहीं यूज़ करते। मेडिसिन को अपने डॉक्टर के अनुसार कंटिन्यू करें, उसको बंद नहीं करें। बिल्कुल, मतलब डॉक्टर के फॉलोअप में तो लेकिन रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये हमने बात की कि किस तरीके से हम मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कितना अच्छा हो कि हम इस बीमारी को पैदा ही ना होने दें, अपनी डाइट से ही हम लोग कंट्रोल करें, तो क्या कुछ डाइट में लेना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। जब हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रोग्राम किए थे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे, तो मैंने फैट की डाइट के लिए विच ऑयल वी शुड यूज मैंने सब कुछ बताया था, तो उसका एक छोटा सा रूप बता दूँ। देखिए, सबसे ख़राब जो कोलेस्ट्रॉल है, जो तेल है जी, मतलब फैट है, वो है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जैसे वनस्पति घी, आम घी, जो वैसे फुल चीज़ जो बिल्कुल घी का पनीर बना हुआ है, घी का कोई और आइटम है, ये सारे के सारे सैचुरेटेड फैट है। तो ये सैचुरेटेड फैट सबसे ख़राब चिकनाई है।
जो अच्छी चिकनाई है वो अनसेचुरेटेड फैट है, उसमें पॉली और मोनो अनसेचुरेटेड फैट होते हैं। तो ये जो खराब चिकनाई है उसको हमें कम से कम मात्रा में लेना है, लेस देन 7% ऑफ टोटल कैलोरी। जी, अब खराब चिकनाई की मैंने बता दिया है किस किस चीज़ों में, तो उनको आप बचिए। लेकिन एक और चीज़ है, वो चीज़ है ट्रांस फैट। अगर इस चिकनाई को ज़्यादा टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं तो वो ट्रांस फैट में चेंज हो जाती है। ट्रांस फैट क्या है? ये ट्रांस फैट सडनली एथेरोजेनिक प्रॉब्लम करती है, अपनी धमनियों को चोक करती है, अपनी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को बढ़ाती है। कहाँ होता है ट्रांस फैट? अब सवाल ये आता है कि ये ट्रांस फैट कहाँ है जहाँ के हम ना लें? ये ट्रांस फैट हर प्रोसेस चीज में है। ये ट्रांस फैट फिंगर चिप्स में है, ये ट्रांस फ्रेंच फ्राई में, क्योंकि हम उसमें जब पैकेट्स लेते हैं तो उसके पीछे जी बिल्कुल, ये ट्रांस फैट चिप्स में है, ये ट्रांस फैट पिज्जा पास्ता में है, ये ट्रांस फैट जितने भी प्रोसेस चीजें जो मार्केट फूड है जो हाई टेम्परेचर पे तल रहे हैं, ये ट्रांस फैट अपना जो आगरा की जो मेन जो जलेबियां और बेड़े हैं उनमें है। तो ये जो जितना भी ट्रांस फैट है, ये ट्रांस फैट अगर पहुंचा तो बस फिर तो सब बिल्कुल बेकार ही हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा एथेरोजेनिक है। तो एक तो ये कि तला हुआ सामान नहीं लेना है, दूसरा ये कि जहाँ जितना भी हम यूज़ करें लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, रेड मीट है, रेड मीट में बहुत ज़्यादा फैट है, ख़राब फैट है, सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, उसको नहीं यूज़ करें। कोई भी रोस्टेड हम नॉन वेजिटेरियन चीज़ ले सकते हैं। दूसरा, अगर हम वेजिटेरियन हैं, सबसे अच्छा है कि वेजिटेरियन में आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स यूज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ यूज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीग्रेन यूज़ करिए, ओट्स हैं, बहुत सारे मल्टीग्रेन हैं, वो आप यूज़ करिए। प्लस कोशिश करिए कि अगर आप तेल यूज़ करते हैं, तो एक क्वेश्चन था अपना विच ऑयल, कौन सा ऑयल यूज़ करें। कोई कहता है सफोला यूज़ करिए, कोई कहता है सेफ फ्लावर यूज़ करिए, कोई कहता है घी यूज़ करिए, कोई कहता है मस्टर्ड ऑयल। बेस्ट इज़ थोड़ा थोड़ा, अपना एक घर का सामान मस्टर्ड ऑयल में, एक सामान ऑलिव ऑयल में, एक सामान जो डीप फ्राई कर रहे हैं आप, ये जो तेल है ऑलिव ऑयल, तो डीप फ्राई करने से भी ये ख़राब फैट में चेंज हो जाता है, तो वो भी नहीं करना है। तो जो डीप फ्राई वाली चीज़ें मस्टर्ड ऑयल एंड घी, बट उसका मात्रा कम से कम आपको लेना है। ऐसे करके अगर आप बीच का मिक्स ऑयल यूज़ करते हैं, साथ में लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, यानी कि जिसका पहले से क्रीम निकला हुआ है, ऐसा अगर यूज़ करते हैं। अब कुछ मार्केट फूड आजकल ऐसे आ रहे हैं, लो फैट फूड, लो शुगर फूड, तो होता क्या है कि हो सकता है कि उसमें उन्होंने लो फैट आइटम से बनाया हो, यानी कि सेपरेटे का दूध एक आम भाषा में, उससे कोई भी प्रोडक्ट, बट उसके अंदर टॉपिंग्स तो है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो है, उसके अंदर क्रीम की टॉपिंग तो है, उसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा हैं। तो पता लगा कि लो फैट के चक्कर में 250 कैलोरी 500 कैलोरी और खा गए। तो उस प्रोसेस जो फूड है या कोई भी चीज़ है, तो उसको आप प्रॉपर पढ़ के चलिए कि भाई आपको ये खाना है। बट जो रखा हुआ है उसमें प्रिजर्वेटिव है, रखा हुआ है उसमें ट्रांस फैट हो सकता है, तो उसको बचिए। अपना फ्रेश चीज़ें, जितना दौड़ना है, जितना भागना है, एक्सरसाइज करिए। हाँ, योगा, यस, योगा वाली जो चीज़ है, कई मेरे पेशेंट पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहब हम योगा कर सकते हैं? यस, डॉक्यूमेंटेड है, मेडिकल साइंस में है, जो हमारे बाबा रामदेव जी कहते हैं वो सही कहते हैं, मेडिकल साइंस में। बट योगा अल्टीमेट नहीं है, यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल LDL आपका 200 है, तो आप ये सोचें कि मैं योगा करूं और मैं टेस्ट भी नहीं कराऊं और मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल सही हो गया होगा, ऐसा भी अज्यूम मत करिए। योगा से कई मेडिकल साइंस में जो स्टडीज़ हुई हैं वो देखा गया है कि हार्ट अटैक की मात्रा कम हो जाती है। काफ़ी कुछ एक्सरसाइज करने से भी यही देखा गया है कि हार्ट अटैक की संख्या कम हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल लगभग 20% के करीब LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल वो नीचे चला जाता है आफ्टर एक्सरसाइज एंड योगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, बट उसके साथ साथ सबसे अच्छा है कि आप अपने डॉक्टर से
लिपिड प्रोफाइल करा के कंसल्ट जरूर कर लीजिए। बिल्कुल, यानी कि डाइट, एक सही डाइट लीजिए, उसके साथ में योगा और एक्सरसाइज को अपने जीवन में शामिल करिए। एक पूरा एक नतीजा, यानी हम थोप नहीं सकते कि सिर्फ योगा और एक्सरसाइज ही हमारे जीवन को बदल सकता है या बीमारी से दूर कर सकता है। ये अपने जीवन का एक पार्ट बनाइए। इसके साथ में अगर आप सही तरीके से डाइट लेंगे, स्वच्छ एनवायरमेंट में रहेंगे और कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और उनके फॉलोअप में रहेंगे तो आप बीमारियों से भी बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, चलते चलते यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगी, त्योहारों का सीजन है, अब त्योहार शुरू हो गए हैं, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, घरों में मिठाइयाँ और ये पकौड़े और तमाम तरीके के व्यंजन बन रहे हैं, तो किस तरीके से इस पूरे एटमॉस्फेयर में अपने आप को मिठाइयों से थोड़ा दूर रखना, चिकनाई से थोड़ा दूर रखना, कैसे करेंगे सर? देखिए, जितने भी डायबिटीज के रोगी हैं बिल्कुल अवॉइड करें, जितने भी ब्लड प्रेशर के रोगी हैं कोशिश करें कि जितने भी नमकीन सामान है उसको कम लें, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर है तो अगर आपने नमक की मात्रा ज़्यादा ली तो आपकी दवाइयाँ काम नहीं करेंगी जी। पता लगा आपने, दवाइयों को स्किप ना करें। प्लस ये जितना भी खाने पीने का आइटम है, फ्राइड घी, देखिए अपनी खाने की चीज़ को सिर्फ घी ही अच्छा बनाता है जो मैंने जैसे अब तक देखा है, जितनी भी स्टडीज़ देखी हैं, मतलब जितना भी मैंने आइटम देखे हैं, तो वो रेस्टोरेंट के फूड में भी जहाँ सबसे ज़्यादा बिल्कुल ऊपर जितना घी पड़ा हुआ है वो घी आपको टेस्टी बनाएगा। तो अगर मिठाई है वो भी खोए से है, अगर आपकी तली हुई चीज़ें हैं वो भी घी से हैं। कोशिश करिए कि अपने परहेज को ना बिगाड़ने दें। अगर एक स्वस्थ जीवन शैली में हमें आगे चल के जीना है तो आप मान के चलिए कि इन चीज़ों को सेलिब्रेट करें। हम सेलिब्रेट करने के बहुत सारे और तरीके हैं। हम ऐसी रोस्टेड चीज़ों से सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम अंकुरित दालों से सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम घर में अभी डॉक्टर का एक प्रोग्राम था अभी फ्लैग होस्टिंग पे, तो वहाँ पे भी इसी टाइप का फूड, जो एक मैसेज देने की कोशिश की थी, तो वो भी एक यही तरीका था। तो जितना भी अंकुरित दालें, होल ग्रेन्स, कोशिश करें कम से कम मैदा वाला सामान इनको यूज़ करना है। मिठाइयाँ, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट के पेशेंट को तो बहुत ही दवाइयों का ध्यान रखना है। कोशिश करें कि डायबिटीज़ के लेवल को ना बिगड़ने दें, कोशिश करें कि ब्लड प्रेशर के लेवल को ना बिगड़ने दें, तो आप किसी भी इमरजेंसी में नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल, तो इसलिए इनको बचना पड़ेगा। बिल्कुल, तो दर्शकों को बता दें कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बी के अग्रवाल, जो कि वरिष्ठ फिजिशियन हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, जिनके साथ आज हमने बात की और आज हमने चर्चा की आपके कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम के बारे में। ये प्रॉब्लम एक बीमारी का रूप ना ले ले, ये छोटी सी बात, ये छोटा सा कोलेस्ट्रॉल का जो टॉपिक है, ये कहीं आपके लिए एक बड़े खतरे की घंटी ना बन जाए। इसके बारे में आज डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि कैसे आपको अपनी डाइट में चेंजेस करने हैं, एक बोझ की तरह नहीं बल्कि खुश होके अपनी डाइट में, क्योंकि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीना आपका हक है और आपका अधिकार है। आप स्वच्छता से जिए, एक शुद्धता वाला भोजन ग्रहण करें और इसे एक अच्छी सेलिब्रेशन के रूप में लीजिए, कोई मरीज का भोजन समझ के नहीं, क्योंकि जब हम खुश होके अंदर से लेते हैं तभी हम एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए और आपने तमाम जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना खास ख्याल। नमस्कार।